हेलो प्यारे दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जी हाँ प्यारे दर्शकों, हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है, यह तो आप सभी जानते होंगे। प्यारे दर्शकों, 1800 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। जी हाँ दर्शकों, इस सभ्यता का पतन कब और कैसे हुआ, इस संबंध में अब भी मतभेद बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक नहीं पढ़ी जा सकी है, और सबसे बड़ा कारण यही है। प्यारे दर्शकों, ज्यादातर विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के प्रकोप से हुआ। हालांकि इस सभ्यता का विकास नदी के घाटी में ही हुई थी, तो बाढ़ का आना स्वाभाविक था, इसलिए यह तर्कसंगत लगता है। वहीं कुछ और विद्वानों का कहना है कि केवल बाढ़ इतनी विशाल सभ्यता का पतन का कारण नहीं हो सकता, इसलिए बाढ़ के अलावा और भी कारणों जैसे आग लग जाना, महामारी, बाहरी आक्रमण आदि का समर्थन कुछ विद्वान करते हैं। प्यारे दर्शकों, आखिर क्या है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तृत पूर्वक जानकारी देंगे। बस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूर्णतः हड़प्पा सभ्यता के बारे में और उसके पतन के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी मिल सके। प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, दुनिया की तीन सबसे प्राचीन समय काल के हिसाब से और आधुनिक रहन सहन के लिहाज से सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की अटकलों पर वैज्ञानिकों ने विराम लगा दिया है। प्यारे दर्शकों, 4000 साल पहले खत्म हुई इस सभ्यता की वजहों को जानने के लिए दशकों तक किए गए अध्ययन में सामने आया कि जलवायु परिवर्तन ने इसका नाश किया। प्यारे दर्शकों, मैसाचुसेट्स के वुड्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के शोधकर्ता उस ऐतिहासिक घटना को आज के मौजूदा दौर से भी जोड़कर देख रहे हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन के चलते शहरों से लोग दूसरी जगहों पर पलायन को अभिशप्त हैं। प्यारे दर्शकों, वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 4000 साल पहले जलवायु परिवर्तन के चलते सिंधु घाटी सभ्यता में बसे आधुनिक शहरों को छोड़कर लोगों को दूर जाना पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसमी बारिश होना बंद हो गया, लिहाजा सिंधु वासियों को हिमालय की कम ऊंची चोटियों पर शरण लेने पर विवश होना पड़ा। वहां ये गांव बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे वहां भी पानी का आपूर्ति खत्म होने पर इनकी सभ्यता का अंत हो गया। प्यारे दर्शकों, शोधकर्ताओं ने पाकिस्तान से सटे अरब सागर के तट पर कई स्थानों से तलछटों के नमूने लिए, उसमें मौजूद डीएनए के अवशेषों का परीक्षण यह जानने के लिए किया कि गर्मियों और सर्दियों के दौरान इस क्षेत्र में किस चीज की प्रचुरता होती थी। प्यारे दर्शकों, शोधकर्ताओं के अनुसार सिंधु नदी जहां समुद्र में मिलती है वहां बहुत कम ऑक्सीजन है, लिहाजा जो भी उगता है और खत्म होता है सब अच्छी तरह तलछटों से संरक्षित है। प्यारे दर्शकों, नतीजे बताते हैं कि जारों के दौरान वहां मानसून उग्र होता था, जबकि गर्मियों के दौरान सूख चुका था। प्यारे दर्शकों, अध्ययन में यह भी सामने आया है कि तेज हवाएं गहरे समुद्र से पोषक तत्वों को सतह पर ले आती थी, जो पौधों और जीवों के लिए अहम होते थे, लेकिन मंद हवाएं ऐसा नहीं कर पाती थी, जिससे समुद्र के किनारे की उत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ता गया। प्यारे दर्शकों, 1800 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी में खेती करना नामुमकिन हो गया, लिहाजा उन्हें हिमालय की शरण लेना पड़ा। हिमालय की कम ऊंची श्रृंखलाओं पर शुरुआत में तो बारिश होती रही, लेकिन अगले 1000 सालों में बारिश की बूंदों का अकाल पड़ गया, जिससे एक फलती फूलती सभ्यता का अंत होता चला गया। प्यारे दर्शकों, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाने वाली सिंधु घाटी की सभ्यता आधुनिक कांस्य युग के दौरान पनपी थी। प्यारे दर्शकों, दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम में 5300 साल से 3300 साल पहले तक इस सभ्यता का अस्तित्व रहा।
प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ 2600 से 1900 ईसा पूर्व यह सभ्यता अपने चरम पर रही। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में इसका विस्तार था। प्यारे दर्शकों, अपने चरम पर इस सभ्यता की आबादी 50 लाख से अधिक थी, जो उस समय दुनिया की आबादी में 10% हिस्सेदारी थी। प्यारे दर्शकों, दुनिया ने पहला आधुनिक शौचालय भी यही देखा। आधुनिक नगर नियोजन की प्रणाली इसी सभ्यता में मिली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहरों की बसावट बहुत नियोजित थी। कुओं से सभी घरों को पानी की आपूर्ति की जाती थी। गंदे पानी को ढके हुए नालों में बहा दिया जाता था। यह दुनिया की पहली साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़ी प्रणाली मानी जाती है। प्यारे दर्शकों, शहरों में नगर निकाय भवन, बाजार, अनाज गृह, भंडार गृह बना हुआ था। शहरों को बाढ़ और हमलों से रोकने के लिए ऊंची और सुरक्षित दीवारें भी बनाई गई थी। प्यारे दर्शकों, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैला हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। यह अब तक ज्ञात सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। इसकी खोज 1921 में हुई थी। दर्शकों, इसका विकास सिंधु और हकरा के किनारे हुआ। प्यारे दर्शकों, बताया जाता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। प्यारे दर्शकों, इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहानी ने की और यह सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था तथा इसका क्षेत्र पर 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। जी हाँ प्यारे दर्शकों, सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मल्सन को हड़प्पा से बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी। 1856 ईस्वी में कराची और लाहौर के बीच रेल मार्ग बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता हुई। परिणाम स्वरूप हड़प्पा के खंडहर की खुदाई की गई। खुदाई करते समय ही यहाँ एक प्राचीनतम स्थल होने का आभास हुआ। इसके बाद विद्वानों ने हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी कहा है। इन सब के अलावा यहाँ से प्राप्त बर्तनों पर मानव आकृतियां भी प्राप्त हुई है। ध्यान रहे कि ऋग वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा गया है। प्यारे दर्शकों, बताया जाता है कि सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ। ये भी सच है कि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुआ, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक था। अतः यह तर्क सर्वमान्य है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि केवल बाढ़ के कारण इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकता है। प्यारे दर्शकों, बताया जाता है कि सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से ही हुआ है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं केवल बाढ़ के कारण इतनी विशाल सभ्यता का अंत नहीं हो सकता है। वैसे हड़प्पा सभ्यता के अंत के कई कारण बताए जाते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि क्षेत्र में वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, आसपास की नदियों का सूखना, शासकों का नियंत्रण होना, आर्यों का आक्रमण, भूभाग का अति प्रयोग होना, ऐसे कई सारे कारण हैं जो हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण हो सकता है। तो प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से जुड़े अनेक तथ्यों के बारे में जानकारी दिया है। इनफैक्ट हड़प्पा सभ्यता का पतन के कई सारे कारणों के बारे में हमने आपको विस्तृत पूर्वक जानकारी दिया है। प्यारे दर्शकों, हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर आपको कैसा लग रहा है, कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। जी हाँ प्यारे दर्शकों, आपका फीडबैक हमारे लिए काफी मायने रखता है, तो प्लीज कमेंट जरूर करें, जिससे आपका सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहे और हमें यह महसूस हो सके, हमें यह पता चल सके कि हमारे व्यूअर्स को हमारी वीडियोस, हमारी जानकारी कैसी लगती है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, हम आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। प्यारे दर्शकों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा वो मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल से जुड़ सके। प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए बेहद मेहनत करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं, तब जाकर इतनी बेहतरीन वीडियोस, इतनी रहस्यमय जानकारियां हम आप तक पहुंचा पाते हैं।
इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहे। प्यारे दर्शकों, प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे हम लगातार आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर सके। तो प्लीज सपोर्ट अस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल। जी हाँ प्यारे दर्शकों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्यारे दर्शकों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।